ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत ही ऊंचे नशे और गर्व की बात बताते हुए कहा कि भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। और आज बाबा ने श्रीमत से शक्ति पाने की विधि बताई कि अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बाप को सुनाकर हर कदम बाप से राय लेते रहो। बाबा से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी बाबा से मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, साथ में शक्ति भी देते हैं। और डायरेक्शन देते कहा कि बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाए पैसे की कमाई खत्म होने वाली है। श्रीमत में अपनी मत नहीं चलानी है। फिर बाबा ने वंडरफुल बात बताते हुए कहा कि अभी अभी कहते हैं कि हमको निश्चय है, बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहां बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। बाबा कहे वंडर है ना। फिर बाबा ने पोतामेल बताने के लिए कहा कि बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए, तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। और आज बाबा ने विशेष सर्विस में लगन और दिल से सेवा करने के लिए कहा कि प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाबा कहे किसी को कहना थोड़े ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आपे ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं। और सर्विस में बाबा ने निरअहंकारी बनने के लिए कहा कि बाप कितना निरअहंकारी है, कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। उसके लिए अटेंशन देने के लिए कहा कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। बाबा को कहां आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। उसके लिए आज बाबा ने यज्ञ के शुरुआत का एग्जाम्पल दिया कि लाखा भवन जहां बाबा और बाबा के बच्चे रहते हैं उसको भी आग लगाते थे, वह सभी अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सन्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। आज मुरली का प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाए पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। आज मुरली में गीत बजा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं, किसके? बाबा कहते हैं किसके सन्मुख बैठे हैं? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज़ है, बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा दोनों सन्मुख बैठे हैं। किसके? बाबा कहते हैं दोनों किसके सन्मुख बैठे हैं? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब अर्थात परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा राजयोग सिखला रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत में भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आह्वान करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा तुमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना कि यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं।
फलाने सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। यह ऐसी वंडरफुल चीज़ है कि अभी अभी कहते हैं, हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता। वंडर है ना, भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है, वही बच्चों के सन्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझते भी हैं, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाबा को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाबा के पास आना चाहिए, तो बाबा को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। बाबा कहे वह सब काम है पाए पैसे के। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म होने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पोत्रे पर पोत्रे खाते रहेंगे। फिर जब बच्चा बाप बनेगा तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोतामेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विक्रम हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी हैं। बेहद के बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें देवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए। कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत हैं जो तीर्थ आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ को न मानना गोया भक्ति को ही नहीं मानना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति तो कोई की होती नहीं। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे, अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझ जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी हैं, भला ऐसा नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते हैं, यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली हैं, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए। फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई है? यह किसी की बुद्धि नहीं चलती है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो, मुंजे पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं। इन्हों को समझना है अंत में। तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं, उनके लिए ही कहा जाता है सिकिलधे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कौन सी आत्माएं पहले पहले परमधाम से आई यहाँ पार्ट बजाने।
पहले पहले आती हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने, उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। बाप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देनी है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। यह धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तब तो कहते हैं हे प्रभु, तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है। जो कोई समझ न सके देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है, इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है, सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमको बहुत देखना है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूँ, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं, सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना, भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए ना, ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नर्क में क्यों पड़े हो, यह तो तुम जानते हो। हम पहले स्वर्ग में थे, रावण ने हमको नर्क में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते, तुम याद दिला सकते हो। भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब ही भारत नर्क बना है, यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है, यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है, बीच में अर्थात संगम युग पर क्या होता है, वह भी डिटेल बैठ बाबा समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि हैं जो समझते हैं, हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा। इतनी छोटी बात कोई को भी समझ में नहीं आती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे। विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं, बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह भी किसी को मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाई, उनको नर नारायण कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है, तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। बाप समझ जाते हैं, यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं, नहीं तो जट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे हैं। बाबा को जानते नहीं, किसी को कहना थोड़े ही होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आपे ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं, ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी हैं, अर्थात सेवा के लिए हम तैयार हैं। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, अगर 10 20 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ, बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं, कोटों में कोई जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है, आपे ही नहीं कहते हैं बाबा हम तैयार हैं। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है, मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निर अहंकारी बनना है,
हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए, बाप कितना निरअहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है, जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और भी करेंगे, उसका दंड उसकी अवस्था गिर पड़ेंगी। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं, मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी हैं, हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है, कहाँ आकर रहना पड़ता है, कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे, लाखा भवन अर्थात जहाँ बाबा के रूहानी पांडव बच्चे रहते थे, उसको भी आग लगाने के लिए विरोधी आ गए थे। लेकिन बाबा जो हमेशा कहते हैं कि आग में बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, अर्थात जो बाबा की याद में बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वह सदा सेफ रहते हैं और सदा सेफ रहेंगे। सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है, बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है, सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। भक्ति मार्ग में गाली ही देते हैं, तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरअहंकारी पने से पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने के लिए सब कुछ करते हैं, कितना नीचे उतरना पड़ता है, अर्थात कर्म द्वारा दूसरों को प्रेरणा देने के लिए भी स्वयं कर्म करना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है, मूत पलीती कपड़ों को धोना है, तो धोबी भी हूँ सोनार भी हूँ, सबको गलाकर सच्चा सोना बनाते हैं, अर्थात आत्मा में जो भी मैल चढ़ी हुई है उसको गलाकर आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार हैं, पहला बाप समान निरअहंकारी नम्रचित बनना है, अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है, सर्विस के लिए स्वयं को आपे ही ऑफर करना है, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। आज का स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।